ऑलराइट गाइस, वेलकम टू माय न्यू गेम प्लेडो। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ अपने विलेज के अंदर एक स्मार्ट स्टोरेज रूम, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा बनाने वाला हूँ, क्योंकि अपने विलेजर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपना सामान ढंग से ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज मैं एक स्मार्ट स्टोरेज रूम बनाने वाला हूँ जिसमें मेरे पास ऑटोमेटिक सारा का सारा आइटम आता रहेगा जो मैं चाहूंगा। एंड पहले मुझे स्टोर बनाना पड़ेगा, उसके लिए तो मैंने सारा का सारा सामान ले रखा है, स्टोन ब्रिक ग्लास वगैरह सारा कुछ है। तो जल्दी से बिल्ड करना चालू करते हैं। स्टोर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एंड जल्दी से पहले तो बनाना चालू करते हैं। पहले मैं बनाने वाला हूँ उसका बेस। तो बेस यार थोड़ा सा सिंपल रहने देते हैं या थोड़ा अलग स्टाइल का रखते हैं, एक बार देख लेता हूँ। तो यार मैंने बेस तो बना दिया है, बेस यार बहुत ज्यादा सही लग रहा है मुझे। तो अभी इस पर फ्लोरिंग होगी, बहुत ज्यादा कुछ काम होने वाला है और ये पूरा फ्लोर मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स गो। अभी मैंने ये पूरा पिलर एंड पूरी फ्लोरिंग कर दिया इसकी, अभी इसे तो यार बहुत ज्यादा सही लग रहा है। अभी मुझे ज्यादा कुछ काम करना नहीं है, मुझे सिंपल बनाना है ये स्टोर। अंदर जो काम होने वाला है सिस्टम का, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव होने वाला है, तो जल्दी से करते हैं, मुझे ज्यादा अभी कुछ करना नहीं है। तो लेट्स गो यार, मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाने के बाद अपना ये स्टोर रूम बना दिया है। बट अभी मेन चैलेंज आने वाला है कि मुझे पूरा सेटअप करना पड़ेगा स्टोरेज रूम बनाने का, और स्टोरेज रूम और स्टोर करने के लिए जो सिस्टम बनेगा ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो सकता है। एंड मैंने ये स्टोर रूम में बहुत ज़्यादा विंडोज़ बना दिए, जिससे मुझे लाइट की ज़रूरत तो बिल्कुल है ही नहीं। मैंने 4-5 विंडोज़ तो बना ही दी हैं। एंड अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम आने वाला है, जो कि है सिस्टम को सेट करना। एंड चेस्ट वगैरह तो मैं लगा दूंगा, बस कनेक्शन थोड़े से शायद से कॉम्प्लिकेटिव हो सकते हैं। बट जल्दी से चालू करते हैं इस काम को भी। पहले तो मैं ऐसे नॉर्मल हो जाता हूँ, एंड मुझे चेस्ट रखनी है डबल। अभी हाँ डबल हो गई, मुझे लगा डबल क्यों नहीं हुई, बट ये ऐसे ही रखते जानी है मुझे। बहुत सारी चेस्ट मुझे लाइन लाइन से लगाते जानी है लाइक दिस। एंड अभी एक लाइन इसकी पूरी हो चुकी है चेस्ट की। अभी मुझे क्या करना है, ये स्टोरेज लिंक केबल है, मुझे कुछ नहीं करना है इससे। तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है इस केबल से, मुझे इधर से कनेक्ट करना है इन सारी चेस्टों को। ऐसे मुझे सारी की सारी चेस्ट कनेक्ट करते जानी है लाइक दिस तरीके से, मुझे सारी की सारी चेस्ट कनेक्ट करनी है। ये मैंने केबल्स तो इधर सेट कर दिया, अभी एक और मुझे थोड़ी सी कनेक्शन के लिए लगानी पड़ेगी इधर। एंड ठीक है, तो अभी मैंने एक इधर लगा दिया। अभी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ लगेगी वो है ये कंप्यूटर, एंड इसे बोलते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट टर्मिनल। तो ये सबसे ज़्यादा मेन है ऑटोमेटिक यूज़ के लिए, इसे लगाते हैं, इससे ही हमारा ऑटोमेटिक स्टोरेज रूम बनेगा। एंड इसे लगाते हैं इधर। तो लेट्स गो, मैंने ये टर्मिनल लगा दिया है मैनेजमेंट वाला। अभी सारी की सारी चेस्ट इससे कंट्रोल होती रहेंगी। एंड अभी मैंने कोई आइटम तो इसमें भरा नहीं है, इसलिए कोई इसमें इंफॉर्मेशन आई नहीं है, इसलिए ये डॉट डॉट दिखा रहा है ना। मुझे पहले तो बहुत सारी ऐसी चेस्ट बनानी पड़ेंगी, फिर ऐसी मुझे सारे के सारे कनेक्शन करने हैं। तो जल्दी से स्टोरेज रूम बनानी है, तो जल्दी से बनाते हैं। तो फाइनली मैंने अपना स्टोरेज रूम बना लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा एंड कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है देखने में तो। एंड वो वर्क भी करता है, टूर करवाता हूँ अपने स्टोरेज रूम का। एंड ये रहा यार, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोरेज रूम है। इधर पूरा ये सिस्टम लगा हुआ है जहाँ से मैं कंट्रोल करूँगा। अभी इन सारी चेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं धीरे धीरे बढ़ते जाऊँगा इनके अंदर। एंड पूरा यार भरा पड़ा है ये चेस्टों से। या गाइस, आज की वीडियो से इतना ही। एंड मैंने विलेज के लिए बहुत बड़ा स्टोरेज रूम तो बना ही दिया है। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।